Assalamu alaikum, I'm Maria Khan from Amanat.com, and if you're new to this channel, I would like to welcome all our new subscribers. So welcome to another episode of Times of Real Estate, and today I have a very special guest with me who is the CEO of the company Grand Exito, whose name is Engineer Azharul Islam Sahab. And today we are going to talk to him, we are going to discuss some things regarding his project Crescent Lake Tower that is located in Behria Town and some other topics as well. So, assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, kya haal hai aapka? Alhamdulillah. Allah ka shukr. Sir, sabse pehle main aapse ye question karna chahungi ki hamare viewers ko apne bare mein jo log aapko nahi jante, apna ek introduction dein ki apne bare mein kuch unse share kare. Ji, jaise aapne bataya, Engineer Azharul Islam Zafar mera naam hai. Aur maine BSc Civil Engineering kiya. Phir uske baad maine 13 years private sector mein construction industry mein job ki. फिर 2005 में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बाद फिर 2012 में मैं एज ए बिल्डर आया मार्केट में, तो हमने अपना 2012 से अपने प्रोजेक्ट करने शुरू किए. तो इस वक्त तक हम लोग ऑलमोस्ट 5 प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर चुके हैं और हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लास्ट 2 ईयर से 2019 और 2020 में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बेस्ट बिल्डर और इंजीनियर अवार्ड हासिल कर चुका हूँ. तो ये मेरा छोटा सा तारुफ है. ऑलराइट सर, ये आपका तारुफ हो गया. उसके बाद जो आपका ये प्रोजेक्ट है क्रीसेंट लेक टावर, उसके बारे में व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए कि उसका क्या विजन था आपके माइंड में और अभी आप उसको उस प्रोजेक्ट को किस तरफ जाते हुए देखते हैं और क्या यूनिक फीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बेसिकली. जैसे मैंने आपसे बताया कि इससे पहले हम 3-4 एक प्रोजेक्ट को हम डिलीवर कर चुके हैं और हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं, लेकिन मैं जो एक फील कर रहा था बीइंग एन इंजीनियर कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए मार्केट में जिसमें के तमाम वो सहूलियात जो कि एक क्लाइंट चाहता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट में मिले, वो हम उनको वहाँ प्रोवाइड करें और एक यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट हो. तो उसमें फिर हमने यही कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट में वो तमाम सहूलियात हम लेके आएँ. तो उसमें जैसे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक इंडोर मॉल है, लेकिन फिर इसके लिए सेकंड जो हम रेजिडेंट के लिए हमने एक बहुत अच्छे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, और उसमें ये है कि हमने ओल्ड एज जो पीपल हैं उनके लिए अलग प्लेस रखी है, फिर हमने चिल्ड्रन प्ले एरिया है, फिर मॉस्क है. मॉस्क एक्चुअली ये है कि मॉस्क हमने कमर्शियल में अलहदा दी है और रेजिडेंशियल में अलहदा दी है हमने. फिर इसके अलावा हम इसमें एक डिस्पेंसरी है और उसके बाद सैलून, मेंस एंड वुमेन सैलून है. फिर एक हमने एक कम्युनिटी हॉल रखा है जिसमें के जो रेजिडेंट ऑफ दैट बिल्डिंग है ये तकरीबन 100-150 बंदों की अगर वो गैदरिंग करना चाहें तो अपनी बिल्डिंग में कर सकते हैं. सही. तो इसी तरह और फिर ये क्योंकि ये हमने इसको स्मार्ट सॉल्यूशन भी रखा है इसका कि जैसे हम मॉडर्न में जा रहे हैं तो हम ये सारा जो आईटी से आपके जितने भी घर के इक्विपमेंट हैं या वो लाइट्स हैं या पंखे हैं या आपके कर्टन्स हैं, ये सारे आपके मोबाइल से तमाम ऑपरेट होंगे. और इवन कि आपका जो मेन लॉक ऑफ द मेन आपके घर का जो लॉक है, मेन एंट्रेंस लॉक है, वो भी वहाँ से आपके ऑपरेट हो रहा होगा. तो ये चीज़ें हैं इसमें. अब जैसे अब नई आ रही है कि इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो हम ये भी कर रहे हैं कि यहाँ हम इलेक्ट्रिक कार चार्जर भी प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर इसमें हमने एक नया कंसेप्ट दिया कि जो रूफ टॉप है वो हमने एक डेडिकेटेड कर दिया फॉर रेजिडेंट कि वहाँ वो उनको एक छोटा सा कैफ़े भी मिलेगा और फिर वहाँ वॉक कर सकते हैं. और वो जैसे आप एक पार्क में जाएं, छोटे से पार्क आपको वहाँ मिलेगा कि आप शाम को आएँ वहाँ एंजॉय करें, सिटिंग करें सारे लोग. और दैट इज़ डेडिकेटेड ओनली फॉर रेजिडेंट ओनली. वेरी नाइस. तो सर आपका इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या विजन है कि कितने साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट फिनिशिंग तक पहुँच जाएगा? ये एक्चुअली हमने इसको क्योंकि एक 8 लाख स्क्वायर फीट का ये कंस्ट्रक्शन एरिया है इसका, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है. तो हमने इसीलिए इसका टाइम फ्रेम और हमने इसका जो पेमेंट प्लान है वो भी 5 साल का दिया है. तो इंशाल्लाह ताला हम विद इन दिस पीरियड यानी जून 2025 तक हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर लेंगे. सही. बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ टाइम गुजारने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का. तो व्यूअर्स, दिस वॉज अनदर एपिसोड ऑफ टाइम्स ऑफ रियल स्टेट.
और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्रिसेंट लेक टावर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हम लोग आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी देख सकते हैं, उसकी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं ऑलरेडी, और मज़ीद जो आपकी कुछ क्यूरीज होंगी वो इस इंटरव्यू के थ्रू थोड़ी सी सॉल्व हो गई होंगी. फॉर एनी मोर क्यूरीज एंड एनी मोर क्वेश्चंस डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट. यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू द फोन नंबर दैट इज़ गिवन ऑन द वीडियो. एंड इसी तरह का कॉन्टेंट देखने के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज वेल. And until next time, Allah Hafiz. Amanat.com, Pakistan's first investment portal. Mashwara Amanat hai.